नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अभी प्रयागराज के झूसी रेलवे स्टेशन के सामने खड़े हैं, एक नंबर प्लेटफार्म की तरफ खड़े हैं। दोस्तों आज हम आपको झूसी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का वर्क अपडेट दिखाएंगे। एक नंबर प्लेटफार्म की तरफ से शुरू करेंगे और दिखाएंगे पूरा कंप्लीट चार नंबर तक कितना यहाँ पे डेवलप का काम हो चुका है। हर बार दोस्तों आपको दिखाता रहता हूँ हर महीने। देखिए अभी एक नंबर के बाहर ये देखिए जहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह था, देखिए टूट गया है, नया टिकट काउंटर बन के चालू हो गया है। आगे देखिए ये रैंप बन रहा है यात्रियों के यहाँ पे बैठने उठने के लिए, आने जाने के लिए। और इस तरफ एक नंबर के बाहर का ये रास्ता है, झूसी वाला रास्ता है। देखिए ये इधर अंदामा चौराहा, इधर झूसी तरफ से माघ मेला में चले जाएंगे आप लोग एक नंबर की तरफ। देखिए ये इधर एक नंबर प्लेटफार्म है। तो आइए ले चलते हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको झूसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ 2024-25 को देखते हुए क्या तैयारी चल रही है, आइए दिखाते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आइए चलते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। देखिए बाहर, देखिए यहाँ पे ये रैंप बन रहा है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे आया हुआ है रैंप बनाने के लिए, पेंटिंग हो रहा है। क्या छोटो, आइए चलते हैं दोस्तों लेकर के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले दोस्तों यहाँ पे खाली था, देखिए यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी होती थी। देखिए पूरा ये रैंप बना जा रहा है। इस साइड दोस्तों दाहिने तरफ आपको आरक्षित टिकट मिलेगा, यानी कि जो स्लीपर का एसी का टिकट इधर मिलता है दाहिने तरफ। और खुलने का समय सोमवार, शनिवार, रविवार को 8 बजे से 2 बजे तक ये रहता है, और सोमवार शनिवार 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। देखिए आरक्षित खिड़की है और इधर अनारक्षित खिड़की है, यानी कि जो चालू ट्रेन है होती है पैसेंजर वगैरह उसका यहाँ पे मिलता है बाएं साइड में। स्टेशन मास्टर कार्यालय इधर बाएं साइड में है, पहले दाएं साइड था। देखिए अभी काम चल रहा है और हम लोग आ गए हैं एक नंबर प्लेटफार्म पे। देख लीजिए अंदर से, देखिए कैसा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं अंदर से इस प्रकार से दिख रहा है। और इस साइड पश्चिमी साइड का है एक नंबर प्लेटफार्म पे। देखिए एक दुकान इधर खुल गई है स्टॉल, और दो नंबर पे एक खुली है उधर। चार प्लेटफार्म है टोटल, और देखिए बैठने के लिए एक पे बन गया है। स्टेशन मास्टर कार्यालय इधर है बाएं साइड में इस तरफ, और ये सब देखिए अभी नए रूम बने हैं इधर बाएं साइड में। और दोस्तों टोटल 3 रैंप है यहाँ पे, और देखिए ये बीच वाला रैंप अभी बन रहा है, इस तरफ से बाहर निकलने के लिए भी है यहाँ पे। और उधर एक रैंप बन कंप्लीट है दूसरा, और एक तीसरा इधर है इस तरफ, इस तरफ तीसरा है। देखिए इस प्रकार से दिख रहा है, आइए चलते हैं। और दोस्तों देखिए एक नंबर पे देखिए नया रैंप बन रहा अभी, और यहाँ से देखिए चढ़ने के लिए इसे बन रहा है एक नंबर से उस साइड बाहर निकलने के लिए, पूरा 4 नंबर पे जाने के लिए, 1 नंबर पे जाने के लिए। और देखिए यहाँ से बलिया तक की गाड़ी यहाँ पे लग गई है, बलिया तक यहाँ से डायरेक्ट आपको गाड़ी मिल जाएगी। देखिए ये बलिया तक की गाड़ी यहाँ से खुलने वाली है, 2:15 बज रहा है आसपास, देख पा रहे होंगे आप लोग। और अभी देखिए यहाँ पे पेंटिंग का कार्य चल रहा है, बाउंड्री का पेंटिंग का कार्य, इस तरफ देख लीजिए आप लोग पेंटिंग का कार्य इधर चल रहा है। और देख पा रहे होंगे दोस्तों एक नंबर पे इधर काफी कार्य हो चुका है। देखिए पानी पीने के लिए यहाँ पे नल वगैरह लग गया है, देखिए एक नंबर पे पहले नहीं लगा था, नल लग गया है। और जो नीम के पेड़ वगैरह से देखिए इस पे चौतरा बन गया है बैठने के लिए। और यहाँ से सवारी गाड़ी देखिए खुल गई है,
देख लीजिए जा रही सवारी गाड़ी यहाँ से झूसी से। और यहाँ दोस्तों देखिए दो नंबर पे जाने के लिए और चार नंबर जाने के लिए इस वाले रैम का प्रयोग करेंगे आप लोग। यहाँ अगर आप पूर्वी साइड में हैं तो, और पश्चिमी साइड में है तो वो वाला रैम्प आप लोग प्रयोग कर लीजिएगा। लास्ट तक चलेंगे दोस्तों दिखाएंगे। और पानी की टंकी भी देखिए बन रही है, काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए पानी की टंकी यात्रियों के लिए देखिए बन जाएगा, पूरा स्टेशन पर सप्लाई होगा इससे पानी। देख लीजिए पूरा बाउंड्री वगैरह बन रहा है ये। और इधर बताया जा रहा है कि इधर आरपीएफ वगैरह के लिए इधर बन रहा है रूम वूम, इधर आरपीएफ लोग रहेंगे। और एक रैंप इधर बन रहा है, कई रैंप यहाँ पे बने हैं। देखिए नया रैंप एक इधर बन रहा है और देखिए एक यहाँ पे बन रहा है पानी पीने के लिए। पानी भी आ रहा है शायद, पानी भी आ रहा है। एक यहाँ भी बन गया है और देखिए ये वाला भी। अब इस पे पूरा पत्रा वगैरह रखेंगे प्लास्टिक वाला जो भी होता है, फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग लास्ट में आ गए एक नंबर के। और देखिए इधर एक नंबर पे देखिए शौचालय वगैरह जाने के लिए बना दिया गया है, सुविधा यात्रियों के लिए बन गया। इधर भी काफ़ी देख लीजिए इधर भी, और एक आगे उधर पानी पीने के लिए बन गया है। काफ़ी लंबा स्टेशन हो गया है दोस्तों झूसी। आइए अब चलते हैं दो की तरफ दिखाते हैं। देख लीजिए पानी टंकी इस प्रकार से कुछ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग चलेंगे दो नंबर पे, तीन नंबर पे। दोस्तों एक मेमो पैसेंजर यहाँ पे अभी 4 बजे यहाँ से जाएगी, यहाँ से देख लीजिए आप लोग। एक यहाँ पे खड़ी है, ये देख पा रहे होंगे। एक पैसेंजर ट्रेन यहाँ खड़ी है। और दो नंबर पे देखिए यहाँ पे भी शौचालय वगैरह जाने के लिए बन गया है दो नंबर पे। हमसे कोई दिक्कत दोस्तों, हम लोग देखिए साइकिल से अब वीडियो बना रहे हैं। देखिए ये हमारे सब्सक्राइबर मिल गए थे तो कह रहे हैं कि चलिए आपका वीडियो बनवाते हैं, अब ले चल रहे हैं। क्या नाम है छोटू? तन्मय नाम है इनका। देखिए झूसी स्टेशन पर एक नंबर की तरफ अभी दिखाए हैं और अब आगे लेके चल रहे हैं। और इधर अभी दिखाएं कि जो कि ये मेमो ट्रेन खड़ी है 4 नंबर पे लगी है, अभी ये जाएगी। ये दोस्तों बनारस होकर पटना की तरफ चली जाती है, झांझा जाती है देवघर की तरफ। अब देखिए ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पर रैंप के पास हम लोग आ गए। अभी इस तरफ दोस्तों यात्रियों के लिए टिकट काउंटर बन रहा है, उस तरफ देखिए भगवा कलर में तो ये सब बन रहा है। अब देखिए तीसरा ये पश्चिमी साइड का ये पैदल ये रैंप है, ये तो कम्प्लीट है पूरा। और अभी हम लोग फिलहाल दो नंबर पे चल रहे हैं और लास्ट छोर पे देखिए आ गए हैं। इधर एक नंबर दिखाना चाह रहा था, ये वाला भी कंप्लीट नहीं है एक नंबर की तरफ का। देख लीजिए आप लोग, अब ये छावनी का पत्रा वगैरह रखा जाएगा। और इसके उस तरफ दोस्तों रेलवे का पूरा वर्षाफ है, जो कि गंगा में जो ब्रिज बन रहा है उसका यहाँ पे पूरा वर्षाफ है। यहीं से पूरा सामान जाता है लोहा हुआ। अब हम लोग यहीं से मोड़ लेंगे, यहाँ उस वाले चलेंगे तीन नंबर पे। देखिए लास्ट छोर पे आ गए पश्चिमी साइड। अब देखिए तीन नंबर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अब दोस्तों तीन के बाद चार है, चार के बगल भी देखिए उधर भी टिकट काउंटर पूरा बन रहा है, इस साइड भी और उस साइड भी। और देख लीजिए आप लोग, अब यहाँ से ट्रेन खुलने वाली है दोस्तों। आप लोगों ने तो देख लिया होगा पूरा, देखिए ये बैठने वाला अभी नया बना है ये सब, और इधर भी नया बना है। और ऊपर चढ़ने देखिए पूरा दिशा निर्देश ये प्लेटफॉर्म का बना दिया गया है,
जिससे आप लोग जा सकें ऊपर प्लेटफॉर्म पर। अब जहाँ पे ये रैंप बन रहा वहाँ तक हम लोग चलेंगे। और दोस्तों देखिए, ये हमारे फ्रेंड लोग हैं, ये लोग हमारा वीडियो बनवा रहे हैं साइकिल से, इनको बहुत बहुत थैंक यू, एक लाइक करिए इनके लिए। अभी आपको मिलवाते हैं तीनों फ्रेंड से। दोस्तों आप लोग भी हमारे फ्रेंड हैं, हर कोई जो भी हमसे जुड़ा हुआ है सभी हमारे फ्रेंड्स हैं, हम सबको अपना फ्रेंड मानते हैं, चाहे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, सब हमारे भाई हैं, सब दोस्त हैं, सबको हम मानते हैं। दोस्तों आ गए देखिए इस वाले रैंप के पास, अब यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, कहीं रोक लेंगे, रोक लीजिए छोटू। देखिए दोस्तों ये बीच वाला रैंप है, अब आइए अपने दोस्तों से मिलवाते हैं जिनके माध्यम से आज का वीडियो बना है। दोस्तों पूरा रेलवे स्टेशन हम लोग साइकिल से अभी भ्रमण किए, कुछ तो पैदल चले, तो हमने सोचा कि उधर के रुक रुक को दिखाना था इसलिए पैदल चले। फिर उसके बाद इन भाइयों का सहारा मिला, ये जो कि हमारे फॉलोअर हैं, अभी इनका नाम हम लोग जानेंगे, ये जो कि चला रहे हैं इनका नाम तन्मय है। और आप लोग का क्या नाम है? हमारा नाम राज है। राज है आपका? शिवम जी हैं, जो कि यही झूसी से रहने वाले हैं। दोस्तों ये झूसी से रहने वाले हैं और ये हमारे फ्रेंड्स हैं और ये हमको फॉलो करते हैं बहुत दिनों से। आप लोग हमें बहुत दिन से जानते हैं दोस्तों, बहुत दिन से जानते हैं, और ऐसे दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग भी हमें फॉलो करिए, कभी मौका मिलेगा तो आप लोग से मुलाकात होगी कहीं भी। तो दोस्तों वीडियो यही समाप्त करेंगे, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे महाकुंभ से रिलेटेड भी वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमारे 60,000 फॉलोअर भी हो गए, सब आप लोगों की वजह से हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।